नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जेएमओटी जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग पर क्लास रहिबो ये रही जो आपमनकर 30 नंबर क्लास या पूर्व 29 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड होछि। पिला माने जो माने क्लास को अटेंड करना थी जानतु प्लेलिस्ट देखि दियंतु। नुवा पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जल्दी जल्दी आ नोटिफिकेशन पई बेल नोटिफिकेशन को दबे दियंतु। आपन को तुरंत नोटिफिकेशन मिलि जइबो बेल आपमनकर वीडियो अपलोड होबा सहित। पिला माने गुटे कथा कोइ रखिबी पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं जूनियर असिस्टेंट जोटा कि आपन वैकेंसी आसीतला तार डेट को एक्सटेंडेड कर दिया आइछि। काहे कि ना पिला माने देखो तो आता से तो पोस्ट मध्ये बढ़ी पोस्ट संख्या को मध्ये बढ़ाई आइछि। पिला माने समस्त परीक्षा पई आपन टेक्निकल पई प्रिपरेशन करछथि जदि आपन अदर क्वालिफिकेशन अछि तारे अप्लाई करंतु। पिला माने ओडिसा रे वैकेंसीज बहुत आसुछि बट कहउचंती हमें मजदूरी कटिबा को सूरत गुजरात जाउछु किंतु वैकेंसीज भरिया पाई फॉर्म ही आसुना ही ठीक अछि। पिला माने तो अप्लाई करंतु आउ पीईओ एवं जे रो वैकेंसी रो जो क्वेश्चन सहित रिलेटेड अपन सिलेबस जो डिस्कशन ता मध्ये हमें नै के आसीबु ता विषय रे अपन डिस्कशन करिवा किंतु प्रथम आपन का प्रायोरिटी रहबो जेएमओटी। तो आगु को बढ़िबा आजिकार कंटेंट और सब्जेक्ट कोन अछि ता विषय देखिबा। तो आजिका जो सब्जेक्ट रहबा अपन को ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो इथिरे अपन मानकर कंटेंट रहिजिवो कोन पावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम ऑफ कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन एडवांटेजेस ऑफ हाई ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज इंट्रोडक्शन टू सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम इन ट्रांसमिशन लाइन्स ओवरहेड लाइन्स मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइन्स टाइप्स ऑफ पावर लाइन लो वोल्टेज लाइन मीडियम वोल्टेज लाइन एंड हाई वोल्टेज लाइन वोल्टेज स्टैंडर्ड कंडक्टर मटेरियल्स लाइन सपोर्ट्स इंसुलेटर एंड टाइप ऑफ इंसुलेटर ये रही जो आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल जोटा कि कंटेंट रही ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंटेंट रही जमीक आप सिलेबस मेंशन अच्छी। तो जमीक आम कही रखी पे एवरी एंड इच वर्ड रो डिस्कशन आपको क्वेश्चन भितर मिल जाव तो आपको वरीड हबार ना किसी। तो चलतु आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कशन करवा चलतु आगे बढ़िया। Which electric lines connect the substation to distributors in distribution system? तो which electric lines तो कौन प्रकार इलेक्ट्रिक लाइन जोटा कि सबस्टेशन ले डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज रे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे व्यवहार कर जाय थाय। ए फीडर्स बी डिस्ट्रीब्यूटर्स सी सर्विस लाइन्स डी सर्विस मेन्स। तो आपन को उत्तर कोन हिजिवो ए हिजिवो जोटा कि फीडर आपन को व्यवहार कर जाय थाय जोटा कि इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट करिया पई द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक अच्छे। पे मैंने परवर्ती क्वेश्चन देखा। व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आईई रूल्स। तो आईई रूल अनुसार आपंकर जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन हुए तार मीडियम वोल्टेज पर टू कंडक्टर्स तो दीटा कंडक्टर भितर जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस लगे था से कौनटा ए इनफिनिटी बी मोर देन 1 मेगा ओम सी मोर देन 2 मेगा ओम या फिर डी मोर देन 3 मेगा ओम। तो आपको उत्तर कौन हो बी हो जोटा कि मोर देन 1 मेगा ओम हो ठीक अच्छे। पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी। व्हाट इज डायवर्सिटी फैक्टर डीएफ। तो आपको इंपोर्टेंट रहिबो डायवर्सिटी फैक्टर रो फॉर्मुलेशन कौन रहिबो ए डीएफ इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड बाय इंस्टॉल्ड लोड बी डीएफ इक्वल टू इंस्टॉल्ड लोड बाय मिनिमम एक्चुअल लोड या फिर सी डीएफ इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड बाय एक्चुअल लोड या फिर डी डीएफ इक्वल टू एक्चुअल लोड बाय मिनिमम एक्चुअल लोड। तो आपको उत्तर जो है जो ए है जो जोटा कि डायवर्सिटी फैक्टर मिनिमम एक्चुअल लोड बाय इंस्टॉल्ड लोड है ये है आपंकर डायवर्सिटी फैक्टर फॉर्मुलेशन ठीक अच्छे। पे मैंने आगे को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन देखा। तो पिन टाइप इन्सुलेटर आर यूज फॉर। तो पिन टाइप इन्सुलेटर कौन पर आम व्यवहार कर ए लाइन ऑफ अप टू 33 किलोवोल्ट बी लाइन्स ऑफ एबव 33 किलोवोल्ट या फिर सी लाइन्स ऑफ बिलो 33 किलोवोल्ट या फिर डी लाइन्स ऑफ 400 किलोवोल्ट एंड एबव। तो आपको उत्तर जो है ए हो जोटा कि 33 किलोवोल्ट अप टू आपंकर पिन टाइप इन्सुलेटर व्यवहार करते आम ये इन्सुलेटर विषय में क्वेश्चन पढ़ीदवा। तो आम ये डिस्कशन करदे टे इन्सुलेटर विषय में कौन कौन इन्सुलेटर अच्छे कैपेसिटी कमती वोल्टेज आप तो कितने लेवल रही ठीक अच्छे। पे मैंने तो पिन टाइप इन्सुलेटर जोटा रही पिन टाइप इन्सुलेटर आर यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट वोल्टेज अप टू 33 किलोवोल्ट जोटा कि हमें ऑलरेडी एबे डिस्कशन कर लू। नेक्स्ट आसला सस्पेंशन इन्सुलेटर जोटा फॉर हाई वोल्टेज मोर देन 33 किलोवोल्ट सस्पेंशन टाइप इन्सुलेटर व्यवहार कर द कंडक्टर इज suspended at the bottom end of the string while the other end of the string is secured to the cross arm of the tower. तो टावर जो क्रॉस आर्म रे सिक्योर्ड हेकी थाए आ गुटे बॉटम तार जो सस्पेंडेड हेकी थाए बॉटम एंड ता तार ठीक अछि दिस स्ट्रिंग आपन मानकर जो सस्पेंशन लो इंसुलेटर ता ठीक अछि ये रहि जो आपन सस्पेंशन इंसुलेटर नेसिला स्ट्रेन इंसुलेटर कोन हेतै व्हेन देयर इज ए डेड एंड जोडी आपन कर कोन ने पावर जो पावर कंजप्शन पावर जो सप्लाई टा होछि डेड एंड हेतै सेटु आ तापर सप्लाई नै तो डेड एंड ऑफ द लाइन और देयर इज ए कर्नर और शार्प कर्व. The line is subject to greater tension. In order to relieve the line of excess tension, strain insulator are used. तो ठीक अच्छी पिला माने जो कि कर्व रे कौन से प्रकार कर्नर रे तो यही सब जो आपण कौन से वायर यूज करछंती सेटिकारे सही जगह रे स्ट्रेन इंसुलेटर व्यवहार करते काहे कि ना सेठी टेंशन अधिका थाए तो टेंशन को रिलाइव करिया पय मानता को रिलीज करिया पय एई भलिया स्ट्रेन इंसुलेटर व्यवहार करते तापर आसेला सेकल इंसुलेटर. ठीक अछि पिला माने सेकल इंसुलेटर एई भले चारटा इंसुलेटर अछि पिन इंसुलेटर सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर एवं सेकल इंसुलेटर. तो सेकल इंसुलेटर कौन आसुची इन द अर्ली डेज सेकल इंसुलेटर वेयर यूज्ड एज ए स्ट्रेन इंसुलेटर बट नाउ ए डे दे आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन. तो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पे अपन को सेकल इंसुलेटर व्यवहार कर जायछि एवं सेकल इंसुलेटर जोटा कि स्ट्रेन इंसुलेटर भाबरे पूर्व व्यवहार करथला बट याकू एबे जोटा कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ले बदे व्यवहार कर जायछि. तो आगु को बढ़िवा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिवा. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज इन ओएस लाइन्स ओवरहेड लाइन्स रे आपन को एई प्रकार जो इंसुलेटर व्यवहार करते यार नाम कोन फिगर देखि कोंतु ए पिन इंसुलेटर बी पोस्ट इंसुलेटर सी स्ट्रेन इंसुलेटर या फिर डी सेकल इंसुलेटर. तो आपन को उत्तर जो हिजबो डी हिजबो जोटा के सेकल इंसुलेटर जोटा के आपन को टेंशन रिलीज पे पूर्व व्यवहार होतला एबे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पे व्यवहार कर छै. ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा. व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर ए प्रकार लाइन इंसुलेटर नाम कौन देखिवा. ए पिन टाइप इंसुलेटर बी डिस्क टाइप इंसुलेटर सी सेकल टाइप इंसुलेटर या फिर डी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. तो आपन को उत्तर भी हे जीवो कोनटा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर एटार नाम होची सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. तो फिगर देखिवा आपन मन रखंतु. नेक्स्ट देखिवा कोन ऑप्शन छी व्हिच इज द परमिसिबल लोड फॉर लाइटिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आईई रूल्स. तो आईई रूल्स अनुसार आपण डोमेस्टिक वायरिंग हुए से आप लाइटिंग रो सर्ट सर्किट पाई आप लोड रो परमिजिबल केते लोड आपण एक्सेप्ट करि परिबे ताको परमिशन है अछि जोटा आईई रूल अनुसार सेटा केते हिजबो ए 800 वाट बी 1200 वाट सी 2400 वाट या फिर डी 3000 वाट. तो आपको उत्तर 800 800 वाट ही जोटा कि डोमेस्टिक वायरिंग इंसुलेशन ले आपनकर एतिक ही कैपेसिटी जोटा कि आई रूल अनुसार परमिजिबल. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि. तो व्हाट इज द रीजन फॉर द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन फुल्ली यूटिलाइज्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ डीसी एज कंपेयर टू एसी. तो ठीक अछि पिला माने कोन रीजन अछि कंडक्टर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जोटा फुल्ली यूटिलाइज करा जिवो डीसी ट्रांसमिशन लो कंपेयर करिया काकू एसी ट्रांसमिशन जतले कंपेयर कर जिवो ततले कंडक्टर रो क्रॉस सेक्शनल एरिया रो जोटा कि रीजन काहेकि अधिका फुल्ली लिया जाता है. ठीक अछि ए नो हीट लॉस बी नो स्किन इफेक्ट या फिर सी नो पावर लॉस या फिर डी नो कोरोना जोटा कि लॉस. तो आपन को उत्तर कोन हिजबो बी हिजबो जोटा कि नो स्किन इफेक्ट न थाय सेति भाई कोन को एथरे क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कैन फुल्ली यूटिलाइज कोनथरे डीसी ट्रांसमिशन ले एज कंपेयर टू एसी रे. तो एसी रे जेमति ट्रांसमिशन होय तार तो डीसी ट्रांसमिशन ले कोन होइता ना क्रॉस सेक्शनल एरिया को फुल्ली हमें व्यवहार करताऊ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Why the disc pin insulator outer surface is made by glazing and bend the side inward. A to withstand high voltage. B not to attract birds to sit on it. Or C to offer high mechanical strength. Or D disables continuous water flow in rainy seasons. तो आपन उत्तर जो है जो D है जो जोटा कि disables continuous waterfall in rainy season जते वर्षा दिन रे continuous water flow होची ताको disable करिया पई हमें disc pin टाइ इंसुलेटर आउटर सरफेस ग्लेजिंग बा बेंड कर. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट ए जो जॉइंट आप देखुं फिगर ए ओवरहेड जॉइंट नाम कौन ए ट्विस्टेड जॉइंट बी स्ट्रेट स्लिप जॉइंट सी कंप्रेशन जॉइंट फॉर ए सी एस आर एफ डी स्ट्रेट जॉइंट थ्रो कनेक्टर्स. तो आप उत्तर कौन हो सी हो जोटा कि कंप्रेशन जॉइंट फॉर ए सी एसआर. तो आपनकर फिगर देखि मन रखि दियंतु एई भलिया ओवरहेड जॉइंट रो नाम होची कंप्रेशन जॉइंट फॉर एसीएसआर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई स्टील इज रेनफोर्स्ड इन एसीएसआर कंडक्टर्स यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन. हमें जो ओवरहेड लाइन से व्यवहार करथाउ कंडक्टर तो एससीएसआर तर रेनफोर्स कहीं की हिता है रेनफोर्स स्टील कहीं की मटेरियल तक तेरी हिता है। ए टू मिनिमाइज द लाइन सेक, बी टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, सी टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, डी टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो आपन को उत्तर जो हिजिवो सी हिजिवो जोटा कि टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़िया पई आमे कोन करथाउ ना जो एससीएसआर रो कंडक्टर रो मटेरियल होची स्टील रेनफोर्स को व्यवहार कर जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, Which type of AC transmission is usually universally adapted? तो कौन प्रकार AC transmission जोटा कि universally adapt कराई छी universally व्यवहार करा छी। A 2 phase 4 wire, B 2 phase 3 wire, C single phase 2 wire या फिर D 3 phase 3 wire। तो आपन उत्तर 3 phase 3 wire D ही है जो उत्तर। तो 3 phase 3 wire जोटा कि टाइप और AC transmission universally adapted कराई छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, What is the reason of keeping binding wire gap too close and very tight in pin insulator? तो बाइंडिंग वायर जो गैप टाकू बहुत क्लोज कराई थाय मो टाइटली फिक्स कराई थाय पिन इंसुलेटर एटा कोन पाई कराई थाय? ए अवॉइड स्पार्किंग, बी अवॉइड कोरोजन, सी अवॉइड ऑक्साइड फॉर्मेशन, डी अवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपन उत्तर जो हिजो ए हिजो जोटा कि अवॉइड स्पार्किंग को अवॉइड करिया पे हमें कोन करथाउ ना 3 जो पिन इंसुलेटर रे तार जो गैप ता थाय बाइंडिंग गैप टाकू वायर बाइंडिंग गैप टाकू क्लोज कराई था और टाइटली फिक्स कराई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कोरोजम यूज इन इलेक्ट्रिक पोल्स? तो इलेक्ट्रिक पोल्स रे हमें कोरोजम रो काहे की व्यवहार करिथाउ? ए सपोर्टिंग द लाइन इंडक्टर्स, बी होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइंस, या फिर सी अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स, डी रिड्यूस कंडक्टर सैग बिटवीन सपोर्ट्स। तो आपको उत्तर बी ही होगा जोटा कि आपनकर इंसुलेटर को होल्ड करिया पे ओवर लाइन लो इंसुलेटर को होल्डिंग करिया पे हमें कोरोजन रे व्यवहार करथाउ कोथरे इलेक्ट्रिक पोल्स रे। क्वेश्चन देखिबा, तो व्हाट इज एससीएसआर? हमें पूर्व रे बहुत गुडा को पड़ी गेले ना एससीएसआर कोन? तो यार फुल फॉर्म कोन? ताकर एब्रिविएशन फुल एब्रिविएशन कोन होबो? ए ऑल कंडक्टर्स स्टील रेनफोर्स, बी एल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स, सी एल्युमिनियम कवर्ड स्टील रेनफोर्स, या फिर डी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो आपन उत्तर जो हिजिबो डी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जोटा कि एससीएसआर रो फुल एब्रिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस आर्म इन ओवरहेड लाइंस? तो क्रॉस आर्म रो व्यवहार हमर ओवरहेड लाइन रे काऊ पर्पस रे कराय थाय? ए प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू द ओएच पोल, या फिर बी प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट बिटवीन कंडक्टर्स, C reduce the sag of the lines between poles, D holding the insulators or the conductors are fastened। तो आपन को उत्तर D हे जीवो जोटा कि इंसुलेटर को जो फास्टनिंग करैत है ता कंडक्टर को होल्ड करिया पई सेटा को हमें कोन इतना व्यवहार करथाउ कोटा क्रॉस आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच सबस्टेशन द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन टू कंज्यूमर सप्लाई वोल्टेज? तो को प्रकार सबस्टेशन टाइम जोटा कि हमें ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज स्टेप डाउन रे वोल्टेज स्टेप डाउन टू कंज्यूमर सप्लाई पे व्यवहार करथाउ? ए मोबाइल सबस्टेशन, बी माइनिंग सबस्टेशन, सी सेकेंडरी सबस्टेशन, डी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। तो आपन को उत्तर डी हे जीवो जोटा कि डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप सबस्टेशन लो हमें ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज स्टेप डाउन रो कोन करता कंज्यूमर को सप्लाई करथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट विल हैपन to the string arrangement of disc insulator if one of the disc insulator gets damaged? तो आपण मानकर कोन हबो स्ट्रिंग अरेंजमेंट रे जदी डिस्क इन्सुलेटर रे गुटिए डिस्क इन्सुलेटर डैमेज हे जाउची तो सेथरे आपनकर कोन हबो? ए होल स्ट्रिंग बिकम्स यूजलेस, बी नो इफेक्ट ऑपरेट्स नॉर्मली, सी ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन, डी डैमेज्ड इन्सुलेटर एंड द एडजेसेंट इन्सुलेटर विल नॉट फंक्शन। तो आपनको उत्तर सी हे जीवो जोटा कि ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन। तो जेउटा डैमेज हितो सेटा केवल खाली चललिबनी किंतु आउ गुडा को समस्त आउ डिस्क इंसुलेटर जोटा कि ऑपरेटिव रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट विल हैपन टू स्किन इफेक्ट ऑन द ओएच कंडक्टर इफ द कंडक्टर डायमीटर इज स्मॉल जोटा कि लेस देन 1 सेंटीमीटर हे जीवो? जदी स्किन इफेक्ट रो कोन आपनकर इफेक्ट पड़िबो जदी ओवरहेड कंडक्टर रो कंडक्टर डायमीटर जदी 1 सेंटीमीटर रु कम हुए। ए बिकम्स नेग्लिजिबल, बी इंक्रीज टू मैक्सिमम, सी नो इफेक्ट रिमेन सेम, या फिर डी डिक्रीज हाफ ऑफ द वैल्यू। तो आपनको उत्तर ए हे जीवो जोटा कि बिकम्स नेग्लिजिबल हे जीवो बहुत कम हे जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि स्किन इफेक्ट ही नेग्लिजिबल हो ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि What is the voltage ratio in AC distribution line adopted for domestic consumers? तो आपनकर AC voltage distribution ले domestic consumer को केते voltage ratio रे आपन मानकर प्रोवाइड करा जाय थाय? ए 415 वोल्ट बाय 240 वोल्ट या फिर बी 240 वोल्ट बाय 110 वोल्ट या फिर सी 415 वोल्ट बाय 110 वोल्ट या फिर डी 11 किलो वोल्ट बाय 415 वोल्ट। पिलाने रिपोर्टेड रहिबो मने केथिबे पिलाने एटार आंसर कोन हेजिबो ए हेजिबो जोंकी 415 वोल्ट रु 240 वोल्ट रहिबो आपनकर 415 वोल्ट बाय 240 वोल्ट हेजिबो। ठीक अछि पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। इफ सैग ऑन ट्रांसमिशन इज इंक्रीज द टेंशन विल, तो आपनकर जदी ट्रांसमिशन लाइन रे जदी सैगिंग हे जाउची। ठीक अछि पिलाने जो दुटा वर्ड आसे सैगिंग गुटे हॉगिंग गुटे। ठीक अछि सैगिंग मींस एमतिगा हेजिबो। ठीक अछि अ हॉगिंग मींस दैट इज एमतिगा। जो ट्रांसमिशन लाइन ले जदी सैगिंग इंक्रीज हो जाउची तो टेंशन कोन हबो, द टेंशन विल कोन ए डिक्रीज बी इंक्रीज सी नॉट टू बी इफेक्ट एट ऑल या फिर डी समटाइम्स इंक्रीज एंड समटाइम्स डिक्रीज। तो आपन को उत्तर हे जिवो ए जोटा की डिक्रीज हे जिवो। ठीक अछि पिला माने समटाइम्स जोटा की आपन करो ए आंसर हे जिवो जतले सैगिंग हे जाउची सैग ऑन ट्रांसमिशन लाइन तो आपन को टेंशन कोन होउची ना डिक्रीज हे जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Which among the following cable are generally suited for the voltage of 211 kilovolt? पिलाने मन किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कौन प्रकार केबल जनरली सुटेड करता है 11 किलोवोल्ट अप टू जोटा कि वोल्टेज ए बेल्टेड केबल्स बी स्क्रीन केबल्स सी प्रेशर केबल्स या फिर डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको उत्तर ए है जो जोटा कि बेल्टेड केबल्स है जो। तो बेल्टेड केबल या विषय टिके देखि देबा कहार केते के कैपेसिटी। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केबल्स आर जनरली यूज्ड फॉर थ्री फेज सर्विस, ओनली थ्री फेज सर्विस पे व्यवहार करा जाता है। गुटेला बेल्टेड केबल जोटा कि अप टू 11 किलोवोल्ट, तापर आसला स्क्रीन केबल्स जोटा कि 22 किलोवोल्ट रु 66 किलोवोल्ट है जो 22 किलोवोल्ट टू 66 किलोवोल्ट। नेक्स्ट आसला प्रेशर केबल्स जोटा कि बियॉन्ड 60 किलोवोल्ट। ठीक अछि तो 60 किलोवोल्ट रु बियॉन्ड जोटा है जो माने अधिक है जो तो सही भलिया करले हम जाके प्रेशर केबल से व्यवहार करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड, तो आपन रबर रे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अछि सेटा केते अछि ए 3 किलोवोल्ट पर एमएम बी 10 किलोवोल्ट पर एमएम सी 30 किलोवोल्ट पर एमएम या फिर डी 300 किलोवोल्ट पर एमएम। तो आपन उत्तर सी हे जिवो जोटा कि 30 किलोवोल्ट पर एमएम हे जिवो। ठीक अछि पिला माने गुटे कथा कहि रखी वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करबा जमा भुलंतनी, मते मोटिवेट करंतु। मो जेमिति का क्वेश्चन आप कही रखी सिलेबस वाइज टोटल को आपर भिड मुझे आसवि सहित आप क्राश कोर्स भी चालू अच्छी जो मैंने पिला क्राश कोर्स देखी ना तीन भिड अलरेडी अपलोडेड अच्छी। फोर्थ नंबर जो पार्ट क्राश कोर्स जो बहुत जल्दी अपलोडेड हो वरीड हे नहीं तो पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करने सहित भिड को लाइक कमेंट सेयार करवा जमा भूलु। तो आगे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रे ता विषय भी देखी दवा कहार केमतिका स्ट्रेंथ अछि। इट रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल एट वेरियस पावर फ्रिक्वेंसी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रे जोटा कि रिफ्लेक्टिंग होय थाय तार माने चेंजेस होय थाय कहुतरे जेते आपण बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार वेरिएशंस आसे पावर फ्रिक्वेंसी रे वेरिएशंस आसे। तो इन्सुलेटिंग मटेरियल ले सेतरे कोन थाना इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मध्ये रिफ्लेक्ट करता है सेतरे। तो इट इज द वोल्टेज पर यूनिट थिकनेस एट व्हिच मटेरियल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जेते आपण कौन से मटेरियल उपरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होची परिवहन होची ता सेटा होची वोल्टेज पर थिकनेस उपरे डिपेंड करता है। ताको कैलकुलेशन वोल्टेज पर थिकनेस कर जाय छै तो सही अनुसार तार यूनिट रहि गेला किलोवोल्ट पर एमएम होय गेला। तो आपनकर एआर रहि जेबो 3 किलोवोल्ट पर एमएम, ओएल हे जो 5 टू 20 किलोवोल्ट पर एमएम, रबर हेबो 30 टू 40 किलोवोल्ट पर एमएम एवं माइका रहि जेबो 118 किलोवोल्ट पर एमएम, एल्युमिना रहि जेबो 13.4 किलोवोल्ट पर एमएम एवं डायमंड रहि गेला 2000 किलोवोल्ट पर एमएम। ये रही जो आपनकर डाइ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ जोटा कि मटेरियल आमे आपण व्यवहार करछंती। एतिको भीतर क्वेश्चन गुटे ने गुटे आसुची तो मैं याको कॉलम वाइज आपनको टेबल वाइज देखि देछि स्क्रीनशॉट करके आपण रखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि। द मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस दैट इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम 50 किलोवोल्ट पावर लाइन्स इज। तो आपण मानकर मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस जोटा गुटे इक्विपमेंट जोटा रहिछि 40 किलोवोल्ट थारू केते दूर रे रहबा दरकार, ए 20 फीट बी 10 फीट या फिर सी 15 फीट या फिर डी 5 फीट। तो आपन उत्तर 10 फीट हे जो बी हे जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन केबल यूज फॉर अंडरग्राउंड सर्विस फ्रॉम 33 किलोवोल्ट टू 60 किलोवोल्ट आर। तो आपन मान कर जो केबल कोन प्रकार केबल व्यवहार करे छै जतले अंडरग्राउंड माटी तळे सर्विस दबा पई कोन से प्रकार कनेक्शन दबा पई जोटा कि 33 किलोवोल्ट रो आपन 60 किलोवोल्ट होबो। ए एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, बी हाई टेंशन केबल, सी सुपर टेंशन केबल या फिर डी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। तो आपको उत्तर हिजबो ए जोटा कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो पिलाने आशा करी समस्त को सेशन भल लगे। ये थिला लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो या पर आउ नया वीडियो सहित बहुत जल्दी देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कमेंट जमा भूलतुनी। तो से पर्यंत नुआ वीडियो पर्यंत आपण वेट करंतु। से पर्यंत समस्त को बाय।